आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आलमंड मिल्क की रेसिपी दिखाऊंगी। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि वेट मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल है ये, क्योंकि ये इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए ये परफेक्ट है आलमंड मिल्क। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें फैट नहीं है, सोडियम नहीं है और ये ओमेगा फैटी एसिड में रिच है, तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, लेकिन जो हमारा काउ मिल्क है या जो बफेलो मिल्क है या कोई भी हम दूध यूज करते हैं उससे इसमें कम ही है, लेकिन इसमें काफी मात्रा में है तो ये हमारी हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें विटामिन ई भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हमको जितना रिकमेंडेड है उतना 50% आपको इस मिल्क में मिल जाएगा। इसमें विटामिन बी भी हैं जो हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनको दूध हजम नहीं होता है या वो दूध नहीं पी पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए ये परफेक्ट दूध है। आप इसको अपने काम पे भी ले जा सकते हैं, जहाँ आप काम करने जा रहे हैं, ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। ये दूध 3 से 5 दिन तक चल जाएगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 3 से 5 दिन आराम से चलेगा, और अगर आप इसको अपना कैरी करना चाहते हैं ये पूरे दिन ऐसे ही रह जाएगा, इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस दूध की ये लगती है कि जिनको वेट रिड्यूस करना है और वेट को मैनेज करना है तो उसके लिए ये परफेक्ट है, या जिनको दूध हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनके लिए भी ये परफेक्ट दूध है। आप इसको घर में जरूर बनाएं, अपने आप मर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू करें और डेली आप अपने बच्चों को, घर के हर मेंबर को बनाकर दें। खरीदने से बेहतर है कि आप इसको घर में बनाया कर, क्योंकि घर में बनाना काफी इकोनॉमिकल पड़ता है और इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने घर में बनाया, इसमें ऐसा कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको यूज कैसे करेंगे? आप इसको स्मूदीज में यूज कर सकते हैं, आप सुबह के नाश्ते में आप इसको यूज कर सकते हैं, ओट्स के साथ, आप इसको कॉर्नफ्लेक्स के साथ, जो भी आप नाश्ता लेते हैं उसमें उसमें ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे नॉर्मल दूध यूज करते हैं उसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बस इतना इसमें यह है कि इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी है वो उस दूध के मुकाबले इसमें थोड़ा कम है। आप इसको पुडिंग में यूज कर सकते हैं, सूप में यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं, बेकिंग में आप यूज कर सकते हैं। तो जिन जिन जगह आप दूध यूज कर सकते हैं उन रेसिपीज में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख लीजिएगा, मैं पूरी कुछ लिंक होंगे जिनसे जो आप पढ़ सकते हैं कि आलमंड मिल्क से क्या क्या फायदे हैं, आप उन लिंक पे जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको इसके फायदे बता दिए, उसको किस तरह से यूज करना है मैं बता देती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। आलमंड मिल्क बनाने के लिए मैंने ये 1/4 कप बादाम लिए हैं, जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था और अब ये फूल के ये स्वेल कर गए हैं। इसके जो मैंने छिलके हैं इसके उतार दिए हैं। आप इसको छिलके के साथ भी पी सकते हैं। ब्लेंडर ले लेती हूँ, बहुत आसान है इसको बनाना। इसमें ये बादाम डाल देती हूँ मैं और इसमें पानी डाल देती हूँ, अभी थोड़ा, सारा नहीं डालूंगी मैं। मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। अभी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें मैं इस सारा पानी डाल देती हूँ। 300 ml पानी लिया है ये टोटल, और 1/4 कप बादाम है। अगर आप 1 कप बादाम लेंगे तो उसमें 4 ग्लास आप डालेंगे पानी। अब इसे हम छान लेते हैं। पाउडरी हो गई, इसमें जरा भी लम्स नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं बिना छाने, कोई जरूरी नहीं है इसको छानना। आलमंड मिल्क तैयार है। आप देखिए 300 ml मैंने वाटर लिया था, 300 ml का दूध तैयार हो गया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ना छाने और इसको यूज करें, इसको फेंकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये भी बादामी है जिसको हमने ग्राइंड किया है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि अपने दूध में मिलाएं आप इसका
आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बेसन घी में भूने, उसके बाद इसको भी भूने और थोड़े से नट्स मिला दें और छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे बादाम और बेसन के। तो आप इसको लड्डू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और या आप इसको इसमें भी मिला सकते हैं। तो मैं इसको नहीं फेंकूंगी, मैं दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा ग्राइंड करूंगी और हमारा मिल्क तैयार हो जाएगा। इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको मैं नहीं छानूंगी क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही यूज करना है। मैं सारा इसमें ऐड कर देती हूँ। 1/4 कप बादाम लिए थे जिससे मैंने 500 ml मिल्क तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बॉटल में डाल देती हूँ। मैंने बॉटल ले लिए, मैं इसमें पलट देती हूँ। मैंने इसमें आपको बता दिया है कि एक बेसिक रेसिपी कि इसको किस तरह से तैयार करना है। आप इसमें तरह तरह के फ्लेवर्स भी बना के डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह ना पी पाए तो इसमें आप कोकोनट शुगर मिला सकते हैं, आप इसमें हनी मिला सकते हैं। तरह तरह के फ्लेवर्स के साथ मैं इसके वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप नीचे एक लाइक बटन दबा सकते हैं। नीचे आपको थंब दिखेगा, आप उस पर प्रेस कर सकते हैं। नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन भी दिखेगा लाल कलर का, और उसी के बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगी। आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने और भी रेसिपीज डाली हुई हैं, मैंने फ्लेवर्ड मिल्क की रेसिपी डाली हुई है और वेज नॉन वेज बिहारी स्टाइल डेली स्टाइल बहुत सी रेसिपीज हैं। हम उनको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे इस रेसिपी को आप शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।